discuss about microorganism and where are the microorganisms live. Now we will study about microorganism and us. उसमें भी हम study करेंगे friendly microorganism. ऐसे microorganism जिनसे हमको benefit मिले, जिनसे जो microorganism हमारे लिए beneficial है, पहले हम उनकी study करेंगे. तो सबसे पहले हम देखेंगे making curd and bread. Bread. You have learned in class 7 that milk is turned into curd by bacteria. ये हम 7th class में study कर चुके हैं कि जो milk है वो bacteria के through curd में convert हो जाता है. Curd contains several microorganisms of these. The bacterium lactobacillus promote the formation of curd. Curd जो होता है वो इससे जो उसमें कुछ सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटेन होते हैं और एक बैक्टीरिया होता है बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस जो कर्ड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है. इट मल्टीपल्स इन मिल्क एंड कन्वर्ट इन इट इनटू कर्ड. अब ये मल्टीपल्स होता है और मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है. बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़. और चीज़ को बनाने में बैक्टीरिया भी क्या करते हैं, बैक्टीरिया हेल्प करते हैं. पिकल एंड मैनी अदर फूड आइटम्स, चीज़ को बनाने में, पिकल को बनाने में और दूसरे फूड आइटम्स को बनाने में क्या करते हैं, बैक्टीरिया हेल्प करते हैं. एन इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट ऑफ रवा, इडली एंड भटूरास इज कर्ड. अब जो हम जब भटूरेस बनाते हैं या फिर इडली बनाते हैं तो इसमें इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट जो होता है वो क्या होता है, कर्ड. कैन यू गैस वाई, अब क्यों ऐसा है इसमें अगर हमको भटूरे बनाना है या इडली बनाना है तो उसमें हम कर्ड का यूज़ करते हैं, क्यों? बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर आल्सो हेल्पफुल फॉर फॉर्मेशन ऑफ राइस, इडली एंड डोसा बैटर. बैक्टीरिया और यीस्ट क्या करते हैं, जो इडली और राइस से जो इडली एंड डोसा बैटर बनते हैं उसके फर्मेंटेशन में हेल्प करते हैं. यीस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रमोट कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. जो यीस्ट होता है वो क्या करता है, रैपिडली प्रोड्यूस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है रेस्पिरेशन की प्रोसेस के थ्रू. यीस्ट क्या करेगा, रिप्रोड्यूस होगा जल्दी जल्दी और रेस्पिरेशन की प्रोसेस करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करेगा. बबल ऑफ द गैस फिल द डॉग एंड इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम. जो बबल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, उसमें जो डॉग बनेगा उसमें ये इंक्रीज हो जाएंगे, वॉल्यूम उसका इंक्रीज कर देंगे. दिस इज़ द बेसिस ऑफ यूज़ ऑफ यीस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्रीज फॉर मेकिंग ब्रेड. और जो बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में जो ब्रेड बनती है, पेस्ट्रीज बनती है और केक बनता है वो सब क्या होता है, यहाँ पर यूज़ होता है. अब हम देखेंगे कमर्शियल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शंस ऑफ एल्कोहल. एल्कोहल के प्रोडक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लार्ज स्केल पर यूज़ होता है. वाइन एंड एसिटिक एसिड, एल्कोहल बनाने के लिए वाइन या एसिटिक एसिड जिसका दूसरा नाम विनेगर होता है, विनेगर को ही क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड, इनके फॉर्मेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है. यीस्ट इज यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शंस ऑफ एल्कोहल एंड वाइन. यीस्ट का यूज़ करते हैं वाइन और एल्कोहल के कमर्शियल प्रोडक्शंस के लिए. फॉर दिस पर्पस यीस्ट इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन लाइक बर्ली, वीट, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूस. जो क्रश्ड फ्रूट जूस होंगे, वीट होगा, बार्ली होगा, इनमें क्या होता है, शुगर होता है. तो यीस्ट को क्या करते हैं, इसके पर हम ग्रो करते हैं. नाउ वी विल स्टडी एक्टिविटी 2.4. टेक अ 500 मिलीलीटर बीकर फिल्ड अप टू 3/4 विद वाटर. आप क्या करेंगे, 500 ml का बीकर लेंगे और उसको 3/4 वाटर से फिलअप कर देंगे. डिजॉल्व 2-3 टी स्पून्स ऑफ शुगर इन इट. उसमें हम 2-3 चम्मच शुगर को उसमें
मिक्स करेंगे। एड हाफ अ स्पून ऑफ यीस्ट पाउडर टू द शुगर सॉल्यूशन। अब उसमें हम क्या करेंगे, हाफ स्पून यीस्ट को उसमें हम मिक्स कर देंगे, जो शुगर सॉल्यूशन में हाफ टी स्पून यीस्ट को मिक्स कर देंगे। कीप इट कवर्ड इन अ वॉर्म प्लेस फॉर 4 to 5 hours। फिर उसको हम 4-5 घंटे के लिए वॉर्म प्लेस पे रख देंगे। नाउ स्मेल द सॉल्यूशंस। अब हम इसके स्मेल को देखेंगे। कैन यू गेट अ स्मेल? दिस इज द स्मेल ऑफ एल्कोहल एज शुगर। अब यहाँ पर आपको जो स्मेल जो आएगी वो किसके कारण होगी, एल्कोहल के कारण। शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इंटू एल्कोहल बाई यीस्ट। इसमें जो शुगर होगी वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगी यीस्ट की प्रोसेस से। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर इंटू एल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। ऐसी प्रोसेस जिसमें शुगर एल्कोहल में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। मेडिकल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम पढ़ेंगे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेडिसिनल यूज़ क्या है, मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वेन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर मे गिव यू सम एंटीबायोटिक्स टैबलेट्स कैप्सूल और इंजेक्शन। जब आप बीमार होते हो तो डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है, कैप्सूल देते हैं या फिर इंजेक्शन देते हैं, सच एज ऑफ पेनिसिलिन। द सोर्सेस ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में के सॉरी जो मेडिसिन के सोर्सेस होंगे वो क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दिस मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिसीज। अब ये मेडिसिन क्या करती है, जो डिसीज स्प्रेड करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं उनको मार देती है या उनकी जो ग्रोथ होती है उसको स्टॉप कर देती है। कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज मेडिसिन और कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। जो ऐसे मेडिसिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारे, उनको किल करे, उनकी ग्रोथ को रोके, ऐसे मेडिसिन को हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स। दिस डे आर नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। बैक्टीरिया और फंगी से बहुत सारी एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस किया जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन आर द सम ऑफ मेडिसिन एग्जाम्पल ऑफ मेडिसिन। ये कुछ मेडिसिन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अभी हमने स्टडी किया आज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूजेस के। यहाँ पर हमारा आज का जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है।